तो जी क्या आप लोगों को भी जो है ना वो जाने से दिल करता है कि क्रिस्पी से जिंगर टाइप की चीज़ खाएं, और ज़रूरी नहीं है कि जो है वो चिकन से तैयार हो। मैं बताती हूँ किस तरीके से आप लोग विदाउट चिकन जिंगर तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वी आर वेलकम टू जिमर किचन। मैं हूँ जिमर। रेसिपी को करना है फुल वॉच। इंग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर ले लेनी है जी अंडे। यहाँ पर ये देखें जी, इनको हमने बॉल में निकाल लिया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। नमक हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर जो है वो पाउडर हाफ टी स्पून। यहाँ पे हमारे पास है जी थोड़ा सा ऑरेगानो पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर, और बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो जो है वो हाफ टी स्पून के बराबर है चाट मसाला भी। ठीक है, चलें जी अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको वेल कम्बाइन कर लेना है। ये देखें जी, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे ताकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह वेल कम्बाइन हो सके। ये देखें जी, इस तरह से कर लिया हमने इसको मिक्स। अब जी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है जी मैदा, और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है जी थोड़ा सा यानी 1/4 टीस्पून के बराबर नमक, और यहाँ पर जो है ना रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है तकरीबन है वो 1/4 टीस्पून के ही बराबर इसमें हम लोगों ने, और साथ ही जो है वो 1 पिंच के बराबर हमने इसके अंदर जो है वो ऐड कर देना है जी। यहाँ पे ऑरेगानो यहाँ पे ऐड कर देना है जी हम लोगों ने, चिकन पाउडर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के बराबर ही, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, वेल कम्बाइन करना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके इसका जो है ना वो हमने जो है वो घोल तैयार कर लेना है पतला सा। ठीक है, इस तरीके से बस लई नहीं यानी घोल तैयार करते होते, बिल्कुल आप लोग जैसे स्लरी कहते हैं जिसको, आपने बस वो जो है ना इसकी तैयार कर लेनी है। ये देखिए जी, अब आप लोग हमने जो है वो तैयार करके साइड पर रख ली है, और यहाँ पर ड्राई जो है ना हमने मैदा जो है वो तैयार करना है। इसमें हमने जो ऐड कर देना है जी 1/2 टीस्पून नमक। चलें जी बस यही ऐड करने के, बाकी चीज़ें जो हमने उसमें ऑलरेडी स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं। नॉनस्टिक फ्राई पैन के ऊपर हमने जो है ना वो ऑयल ऐड कर दिया हुआ है, और हम यहाँ पे अपना ऑमलेट बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को रखेंगे जी लो यहाँ पे, और इस तरीके से जो है ना इसको हम लोगों ने फैलाना है, यानी कि इसको इस तरह से हमने सेपरेट करना है। ये देखें जी, अच्छा जी इसको हमने ना यानी फ्लिप नहीं करना, इसको सिर्फ सिंगल साइड से हम लोगों ने जो है ना वो कुक करना है। ये देखें जी, इस तरीके से अच्छी तरह से जो है ना इसकी लेयर बनती जा रही है, और ये जो है ना वो कुक होता जा रहा है। ये देखें जी, और देखिए कितना ज़्यादा जो है ना वो लाजवाब तैयार होगा। आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार होगी। कवर लगा देना है जी इसको हम लोगों ने। ये देखें जी, अच्छा जी फ्लेम आपने हाई नहीं करना, इसको आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। चलिए जी, अब मैं आप लोगों को जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप करके बताती हूँ वो आप लोगों ने क्या करना है। फिर जो ऑमलेट आपने रेडी किया है ना, इसको आप लोग जो है ना वो अब प्लेट में ऊपर जो है वो शिफ्ट कर लें। अब हम लोगों ने बस इसके पीसेस को कट करना है, और इसका छोटा सा ही काम रह गया है। यानी होता ना इंसान को रात को होती है मिड नाइट क्रेविंग्स वाली जो होती है सारी वाइब्स, तो आप लोग उसमें जो है ना वो ये रेसिपी लाजमी से घर पर ट्राई कीजिएगा। रात को आसानी से बस ऑमलेट बना के इस तरीके से उसका जिंगर आगे बनाने का मैं तरीका बताती हूँ, वो बना लें आप लोग। बस इस तरीके से, जिस तरह से हम पिज़्ज़े की शेप नहीं कट करते, आप लोगों ने इसी तरह से जो है ना वो इसकी शेप को कट कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और अब आप लोगों को जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप करके दिखाती हूँ इसका आप लोगों ने क्या करना है। आपने जो है ना वो इस वाले एक पीस को लेकर पहले आपने इसको जो है वो लिक्विड वाली मैदे के अंदर जो है ना वो मिक्सचर के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से डिप करके अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से जो है ना वो सही से कोट कर लेना है। चिकन से भी ज़्यादा लाजवाब क्रिस्पी और क्रंची जिंगर जो है ना वो ऑमलेट का तैयार हो जाता है, इसकी रेसिपी मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। फिर साथ ही आप लोगों ने जो है वो ड्राई कोट के अंदर इसको जो है ना आपने डाल देना है। अच्छा जी, तो जी इसका जो है ना वो बिल्कुल फ्लेवर और जो है ना वो सारे के सारे स्टेप्स हम लोग करें वो भी वैसे ही ऐसे हम लोग जो है ना वो चिकन जिंगर तैयार करते हैं। तो आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। ये देखिए जी, इसके ऊपर जो है ना वो क्रम्स भी बन चुके हैं, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होगा। अब इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। अंडा तो वैसे ही कुक है, फ्राई करने का स्टेप यही है आगे पीछे जो है वो अच्छी तरह से जो है वो गोल्डन कलर आ जाना बस, और फिर फाइनल लुक। देखा आप लोगों ने कितनी आसान सी मेरी ये रेसिपी है। इसी तरीके से सारे पीसों को जो है ना वो पहले मैं लिक्विड में और फिर जो है ना वो ड्राई मिक्सर में जो है ना वो कोट करके फ्राई कर लूँगी इसी तरह से, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। आपने रेसिपी अब मुझे बस ट्राई करके बताना है कि कैसी तैयार हुई है। ठीक है, अब इतनी देर में मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और लाजमी शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। ठीक है, और आपने तक जी फैमिली ब्लॉग को नहीं सब्सक्राइब किया उसको सब्सक्राइब कर ले, उसमें भी बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि उस पर मेरे आने वाला जो है ना फैमिली ब्लॉग का जो है ना आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्पेशली जब अपने छोटी सिस्टर के जो है ना वो व्लॉग डालती हूँ वो तो ऑलरेडी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आप लोग अगर न्यू हैं तो उसको भी जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें। देखिए जी, इसके ऊपर अच्छी तरीके से गोल्डन सा कलर आ चुका है, जिसको देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है,
और जी अब हम लोग जो है वो इसका फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं, बाकी जितने भी उसको इसी तरीके से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बहुत लाजवाब जो है वो जिंगर ऑमलेट तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लाजमी शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त नहीं, फिर तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखें, फैमिली को दुआ में लाजमी याद रखें। आप लोगों ने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा ईजी बनने वाली रेसिपी है मिड नाइट क्रेविंग्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।